ये स्वर सुना आप लोगों ने? हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई स्त्री मधुर स्वर में गा रही हो। किंतु यहाँ इस सागर के मध्य में यहाँ कोई स्त्री कैसे हो सकती है? वो देखो वहां। हम इस मार्ग से अनेकों बार आए हैं, गए हैं अपने व्यापार के लिए, लेकिन इससे पूर्व हमने ये द्वीप देखा नहीं। यहाँ पर कितना हरा भरा, सुंदर और आकर्षक द्वीप है। मार्ग नहीं है, कदाचित हमें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन जो आज तक नहीं था वो अचानक उत्पन्न हो गया, उसके निकट जाना हमें उचित नहीं लग रहा। अरे इसमें उचित अनुचित क्या है? कदाचित हमें वहां से हमारी तृष्णा बुझाने के लिए मीठा जल ही प्राप्त हो जाए। चलो इस द्वीप पे चलते हैं। कितनी सुंदर स्त्री है ये, जितना सुंदर स्वर उतना ही सुंदर रूप भी। सुनिए। अरे ये तो द्वीप के भीतर चली गई। शीघ्रता करो, शीघ्रता से द्वीप तक पहुंचते हैं। अरे वो देखिए, वो जा रही है, वो सुंदरी। सुनिए। अरे सुनिए। अरे रुकिए, हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम वन के इतने भीतर चले आए हैं कि वो सुंदरी भी अदृश्य हो गई है। धुंध भी उत्पन्न होती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हमें वापस नौका पर लौट जाना चाहिए। हाँ चलिए। जाने दो। अतिथियों का स्वागत किए बिना जाने दो, ये उचित नहीं है। हमारे द्वीप में आपका स्वागत है। छोड़ दीजिए हमें। मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने इस उजाड़ वन को हरे भरे वन में परिवर्तित कर दिया। यहाँ चारों ओर जल ही जल है, नीर ही नीर, मछलियां ही मछलियां। मनुष्य और मनुष्य की जात यहाँ दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलता। आशा है आपका पड़ाव यहाँ पर सुख कर रहा होगा। सुख कर तो अवश्य होगा, किंतु हमारे लिए। धन्यवाद प्रिय, तुमने इनकी उपस्थिति का के मेरी क्षुधा और बढ़ा दी। अब नियंत्रण नहीं होता। आपने दारुक और दारुका को ऋषि औरव के शाप से बचने का मार्ग सुझाया, देवताओं के प्रचंड क्रोध से उनकी रक्षा की, किंतु वो तो फिर भी नहीं सुधरे, वो तो पुनः दुराचार में लिप्त हो गए। इन असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है गणेश, वो कभी नहीं सुधर सकते। असुर देवता मनुष्य अथवा अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, मैं उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ। अन्याय नहीं करती हूँ मैं, व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी भी हो, उसे सन्मार्ग पर चलने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ मैं। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मुझे तेरा प्रश्न अवश्य ज्ञात है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं
वरुण देव देंगे। पूछ अपना प्रश्न। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है, तो आप तो दारुका को वही बंदी बना सकते थे। उस वन पर आप अपना अधिकार कर सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। हुआ ये कि क्या हुआ वरुदेव? क्या आपने उन्हें देखा? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ इंद्रदेव। ये देवता लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये पुनः वापस आ गए, पर अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या हुआ? अभी तो दारुका का वन यही था, क्षण भर में ये कहां लुप्त हो गया? एक संपूर्ण द्वीप अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। माँ, वो द्वीप अदृश्य हो गया क्योंकि आपने दारुका को वरदान दिया था कि वो अपने वन को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है। मैं बार बार उस वन को ढूंढता, हम वहां पहुंचते और जैसे ही हम उन पर आक्रमण करने वाले होते तो वो अदृश्य हो जाता। कभी कभी तो वो असुर जल के भीतर जाकर छिप जाते थे। अनेकों वर्षों तक असुरों ने सागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया। सागर के जीवों के साथ साथ उस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वो कष्ट पहुंचाते थे। व्यापारियों को बंदी बनाते थे और उनसे अपनी सेवा करवाकर स्वयं सुख से रहने लगे। निरंतर कठोर श्रम कर जब वो बंदी मृत्यु प्राप्त करते थे तो असुर अन्य व्यापारियों का आखेट कर उन्हें बंदी बना लेते थे।
माता, अर्थात उन असुरों के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। पृथ्वी पर वो ऋषियों को ताड़ना देते थे और सागर में निर्दोष व्यापारियों को, और हम इस संकट को दूर करने में असमर्थ थे। अपने हृदय को और कठोर कर लो, क्योंकि स्थिति तो और भी बिगड़ने वाली थी। किंतु माँ, इससे बुरा क्या हो सकता था? ऐसा क्या किया दारुक और दारुका ने? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जिसे उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए था। आ, क्या उत्तम उत्तम आनंद है दारुका, ये उत्तम मांस और उत्तम दास, पृथ्वीलोक में भी इतना आनंद नहीं था दारुका। इनको इनको ले जाओ, इनको बंदी बनाओ, ये भोजन के लिए बाद में प्रस्तुत करना, इनको खाएंगे, ले जाओ। चलो, असुर श्रेष्ठ का आदेश नहीं सुना, चलो उठो, चलो हमारे साथ। रुको, अरे तुम नहीं, अरे उससे बोलो, वो मनुष्य क्या बड़बड़ा रहा था, इधर आओ उसे। ए, चलो, असुर श्रेष्ठ तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलो आगे बढ़ो। क्या बड़बड़ा रहे थे? ओम नमः शिवाय। अरे ऊंचा बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता, कौन था वो व्यापारी? महादेव का प्रिय भक्त सुप्रिय। सुप्रिय जिसके कारण महादेव और देवी आदि शक्ति के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपके और पिताश्री के मध्य द्वंद्व? जब माँ मूषिकासुर के विरुद्ध माँ उत्पन्न हुई थी, तब सृष्टि पर विनाश का कारण उत्पन्न हुआ था, ये स्मरण है मुझे। क्या पुनः वैसा ही हुआ है माता? सच्चे भक्त की निर्मल भक्ति की अपार शक्ति को कम मत आंकना गणेश। संतान के दुख को देखकर जैसे माता पिता द्रवित होते हैं, वैसे ही निष्ठावान भक्त का दुख हमें भी द्रवित करता है गणेश। तब भगवान नहीं अपितु भक्त के माता पिता के रूप में परिणाम की चिंता किए बिना सब कुछ छोड़कर हम उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं गणेश। किंतु माता, ये द्वंद्व आवश्यक हुआ ही क्यों? क्या कारण था माता आदि शक्ति और पिताश्री के मध्य द्वंद्व का? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोला? ओम नमः शिवाय। तुम्हें क्या था
मैं क्या था, मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिशाली असुर श्रेष्ठ दारुक हूं। मैं तुम दारुक के वन में हो, यहाँ 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 जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं करता हूँ, इसलिए ओम नमः शिवाय मत बोलो, बोलो ओम दारुकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये इसे जितना शीघ्र समझ में आ जाए उतना ही उचित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब कष्ट भोगेगा ये शिव भक्त तो स्वयं सुधर जाएगा। ये ऐसा नहीं मानेगा, इसके कंधे पे ये मोटे मोटे दरख्त रखो, इसे लेके जाओ और चलाते हुए नहीं घसीटते हुए लेके जाना। जब इसके कंधों से खून टपकेगा इसके पैरों में छाले पड़ेंगे, तब ये कहेगा ओम दारुकाय नमः। डर गए, डर गए? बोलो 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 ओम दारुकाय नमः, बोलो बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अपने प्राण गवा बैठोगे, मुझे जानते नहीं हो तुम कौन हो? मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि तुम कौन हो। समुंदर पे यात्रा करने वाले व्यापारियों को आतंकित करते हो तुम, बस इतना ही साहस है तुम में दारुक? तुम हमारी स्वतंत्रता तो छीन सकते हो किंतु हमारी भक्ति नहीं। मैं इसके प्राण हर लूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इसे। ये दुष्ट अपने प्राण गवाएगा, नहीं सहूंगा इसका दुस्साहस। मैं नहीं सहोगे? मेरे द्वारा मेरे भगवान का नाम का जाप करना तुम्हें दुस्साहस लग रहा है, फिर अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो तुम? क्या वो आदिशक्ति की भक्त नहीं? क्या वो उनके नाम का जाप नहीं करती? ये धूर्त शिव भक्त तो मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाकर स्वामी को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है, इसे रोकना होगा मुझे। इस उद्दंड शिव भक्त को इसकी जीवा पर नियंत्रण रखना सिखाना होगा मुझे। मुझसे अपनी तुलना कर रहे हो? मेरी भक्ति के फल स्वरूप स्वयं माता आदि शक्ति ने हमें वचन दिया है कि वो मेरे समस्त असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। मेरी माता के प्रति भक्ति के लेश मात्र भी नहीं हो तुम। अगर ऐसा होता तो स्वयं महादेव प्रकट होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आज जहां तुम बंदी बने खड़े हो, जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे हाथों में है, और ये वन मैंने माता की भक्ति से अर्जित किया है, और ये मेरे और मेरे स्वामी की भक्ति की अपार शक्ति का आधार है, क्योंकि माँ आदि शक्ति ही मेरी रक्षक है, और तुम मेरे अनुसार एक मूर्ख व्यापारी हो, कोई भक्त नहीं। यदि महादेव तुम्हारी भक्ति का मान रखते तो स्वयं यहाँ पर प्रकट होते, किंतु कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। और तुम मेरे स्वामी के समक्ष बेड़ियों में जकड़े हुए दीनहीन अवस्था में एक निर्बल असहाय बंदी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी आत्मा में समाहित ये शिव ओम नमः शिवाय, इसके रक्त की एक एक बूंद से निकालूंगा मैं। तू निरंतर जारी रख ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जारी रख। मैं देखता हूं तेरा शिव कहां से प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुका, ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहिए ये आकृति आकृति क्या 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 कैसी है ये? रुका, क्या है ये? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अचानक संपूर्ण वातावरण इतना भयंकर रूप क्यों ले रहा है? ओम नमः शिवाय। अरे ये
ये भूकंप बन गया साहब, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, अपनी 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 रक्षा करो, चलो 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 समर। पिताश्री अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गए। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ रे, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। किंतु वहाँ पिताश्री के आने से स्थिति बिगड़ कैसे गई माता? क्योंकि इससे महादेव और आदि शक्ति के मध्य एक तनावपूर्ण और भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी गणेश। विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने इष्ट और भगवान को नहीं भूलते वही सच्चे भक्त कहलाते हैं, और भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।